शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मनोहर लाल जी, आइए आइए आइए। बड़े भाग आपके दर्शन हो गए आज तो। आपसे तो मिलना ही नहीं हो पाता, बस काका से मिलके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे काका कहाँ हैं आप? आपके मित्र मनोहर लाल जी आपसे मिलने आए हैं। काका का दोस्त कब से हो गया मैं तो आपका दोस्त हूँ, अब आप इतने व्यस्त रहते हैं कि काका से ही आपकी खबरें मिलती हैं। आजकल तो बहुत चर्चा हो रही है आपकी, है? अखबार में तकरीबन रोज ही आपका बयान छपता है। नहीं नहीं देखिए, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। वो तो हमारे पूर्वज बहुत महान थे, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली था। मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, बस उनके किए का बखान करता रहता हूँ। नहीं नहीं शर्मा जी, आप तुच्छ नहीं हैं। अरे सड़क पर, पान की दुकान पर, चाय की गुमटी पर, जहाँ भी जाइए बस आप ही की चर्चा हो रही है। ये तो बस भगवान की मर्जी है, मगर मेरा मानना है मनोहर लाल जी कि भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एक बात बताइए शर्मा जी, ये आपकी दृष्टि इतनी साफ कैसे हो गई? व्यक्तित्व तो इतना सरल कैसे हो गया? देखिए मनोहर लाल जी, बात यह है कि बहुत साल पहले मैंने अपने आप से कुछ सीधे सवाल किए थे। तब मेरी आत्मा बहुत निर्मल थी, आईने की तरह साफ, बच्चे की तरह मासूम। शरद, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा मरते वक्त वैसी की वैसी होती है जैसे पैदा होते वक्त। पूछे क्यों? क्यों? वो इसलिए कि बचपन में तो वो बाप का माल खाते हैं और जब बड़े होते हैं तो सारी दुनिया को बाप समझकर उनका माल खाते हैं। मैं जानता था आप यही कहेंगे काका, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप काका की बात छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था कि बहुत साल पहले मैंने अपने आप से ये सवाल किए और मेरी निर्मल आत्मा से इसके सीधे सीधे जवाब आ गए। जैसे बटन दबाने से पंखा चलता है ना, ठीक उसी तरह। क्या सारे जवाब मिल गए? जी हाँ। देखिए जिन सवालों के जवाब तकलीफ दे उन्हें टालने में ही इंसान सुखी रह सकता है, और मैंने हमेशा सुखी रहने की चेष्टा की है। शर्मा जी यही तो सुखी जीवन का मंत्र है। और इसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए शरद ने खुद से ही सवाल किए और खुद ही उसके जवाब भी दे दिए। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। काका आप पूछिए ना। अरे नहीं, आप ही प्रश्न पूछिए, मैं इनके उत्तर सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है, आप किस देश के निवासी हैं? महान भारत का। संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति किस देश की है? भारत की। आप किस जाति के हैं? आर्य जाति के। विश्व में सबसे प्राचीन जाति कौन है? आर्य। विश्व में सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है? आर्य। क्या तुमने अपने खून की जांच करा के देखा है कि तुम आर्य हो? हाँ, हमारे अंदर 100% आर्य सेल है। देवता भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें पुण्य भूमि भारत में जन्म दो। बाकी भूमि कैसी है? पाप भूमि। क्या देवता कहीं और जन्म नहीं लेते? कतई नहीं। क्या देवताओं के पास दुनिया का राजनीतिक नक्शा है? हमारे देवताओं के पास तो ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड एटलस है। दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ आर्यों के पास, यानी कि हमारे पास। यानी बाकी जगह ज्ञान विज्ञान है ही नहीं? एकदम नहीं, हमारे पूर्वज विश्व के गुरु रहे। अच्छा ये बताइए, संसार में सबसे महान कौन है? हम और सिर्फ हम। इन सवालों में दुनिया के सारे सवालों का जवाब है। वाह कैसा सुख। आंसू टपक रहे हैं, क्या आंखें आ गई हैं? आंख में कोई दवा डाल रखी है? अंजन लग गया है काका, मगर बाहर की आंखों में नहीं।
भीतर की आंखों में एक नई दृष्टि मिल गई। बड़ा संतोष है, अब सब सहज हो गया है। इतिहास सामने आ गया है, जीवन का रहस्य खुल गया। जो कुछ जानने योग्य था जाना जा चुका है। अब न कोई सवाल उठता है, न कोई शंका पैदा होती है। अब न कुछ जानने लायक बचा है और न कुछ करने लायक। यही तो ज्ञान है। आपकी बातों में बड़ा आत्मविश्वास है। एक आत्मविश्वास धन का होता है और दूसरा बल का, मगर सबसे बड़ा आत्मविश्वास ज्ञान का होता है। और उससे भी बड़ा आत्मविश्वास होता है बेवकूफी का। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता काका। अगर मैं बेवकूफ होता तो क्या बड़े बड़े सभाओं और समारोहों में लोग मेरे विचार सुनने के लिए आते? अरे काका, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर और इंजीनियर और कॉलेज के प्रोफेसर लोग मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं। रहने दो, तुम वहां जाके क्या बोलते हो, क्या करते हो, सब पता है। क्या बात करते हैं काका, मैंने तो वहां वो जाकर के दिखाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करके दिखाया आपने? मैंने डॉक्टरों के एक सम्मेलन में जाकर यह साबित किया है कि पेनिसिलिन की खोज भारत ने की थी। ओह काका, और वहां सिर्फ देश के ही डॉक्टर नहीं, विदेश के डॉक्टर भी मौजूद थे। पश्चिम गर्व करता है कि उसने पेनिसिलिन की खोज करके आदमी की आयु बढ़ा दी है। इसे नहीं मालूम कि पेनिसिलिन की खोज दूसरे विश्व युद्ध के समय नहीं, महाभारत की लड़ाई के समय हमारे यहां भारत में खोज दिया गया था। मित्रों जरा सोचिए, भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े, उनका सारा शरीर घावों से क्षत विक्षत हो गया। वो सूरज की गति को देख रहे हैं कि वो उत्तरायण हो तो वो अपने प्राण त्यागे। वो पूरे 51 दिन जीवित रहे और फिर भी घावों से नहीं मरे, अपनी इच्छा से उन्होंने प्राण त्यागे। मैं पूछता हूं इन विदेशी वैज्ञानिकों से कि उनके घाव सेप्टिक क्यों नहीं हुए। क्योंकि उन्हें पेनिसिलिन दिया गया था। भारत ने 10,000 साल पहले जो पेनिसिलिन विश्व को दिया था, वही आज पश्चिम हमें इस तरह लौटा रहा है जैसे वो उसकी अपनी खोज हो। मित्रों मत भूलिए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा। इस पर खूब जोर से तालियां बजी और सब मान गए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे? अरे शरद, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मजाक। अरे हमें अंग्रेजी गाना मत सुनाइए काका, मैं आपके बोलती में आने वाला नहीं। अरे क्या नहीं था हमारे पास? क्या था? तुम्हारे महान भारत में 10,000 साल पहले मिसाइलें थी, ये टैंक उड़ाने वाले तोपे थी। क्या कहा, टैंक उड़ाने वाले तोप? हाँ। अरे काका, टैंक तो आज बने, मगर ये टैंक उड़ाने वाले तोपों से ज्यादा मजबूत तीर हमारे यहाँ त्रेता युग में बनते थे। जरा सोच, राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि मैं बाली को मारूं। सुग्रीव संदेह प्रकट करता है, कहता है बाली तो महाबलशाली, आप उसे कैसे मार सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। तब क्या होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष उठाते हैं, बाण का संधान करते हैं और ताड़ के वृक्षों की एक कतार पर उसे छोड़ते हैं। बाण एक के बाद एक सात ताड़ों को छेदता हुआ निकल जाता। सुग्रीव चकित, वन के खग मृग पशु पक्षी लता बंदर सब चकित। अरे काका, जो एक बाण से सात ताड़ छेद सकते थे, क्या उनके पास टैंकों को छेदने की ताकत नहीं होगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शरद। अरे अगर आपका दिमाग ठीक है तो बताइए ना, क्या है विश्व के पास जो हमारे पास नहीं था? क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, आवागमन के सारे साधन, कार, बस,
ट्रेन जहाज ये सब तो विदेशों की देन है। हाँ? क्या आप भी काका की तरह बातें करने लगे मनोहर लाल जी? अरे हमारे देवताओं के पास तो वो पुष्पक विमान था कि चाहे जितने आदमी चढ़ जाए एक आदमी की जगह हमेशा खाली रहती थी। और हाँ उसमें पेट्रोल भी नहीं लगता था। है आज भी विश्व के पास ऐसा कोई विमान? अरे भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। समझ गए काका? समझ गया। मनोहर लाल जी इनसे बहस करना और पैदल दिल्ली जाना दोनों बराबर है। अरे आप तो पैदल दिल्ली भी नहीं जा सकते काका। क्यों? वो तो हमारे पूर्वज ही थे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल भ्रमण कर तीर्थ यात्राएं किया करते थे। ओ आइए आइए नमस्ते। आइए आइए आइए। क्या बात है भाई, किस बात पर बहस हो रही थी? बाहर तो बड़ी तेज आवाजें आ रही हैं। नहीं 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 नहीं, वो शर्मा जी विश्व में भारत की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाल रहे थे। कहां से आ रहे हैं बबलू पांडे जी? अच्छा आपके पिताजी का क्या हाल है? बस ऑपरेशन के बाद अब ठीक ही हैं। हाँ शरद जी पूछे बबलू पांडे जी से, इनके पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तब जाके ठीक हुए। अरे वेस्टर्न मेडिसिन एलोपैथी सर्जरी से ठीक हुए इनके पिताजी। किया है आपके पुरखों ने ऐसा कोई ऑपरेशन? इस बार लगता है फंस गए शर्मा जी। है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका या तुम्हारे महान भारत के पास? जवाब? जवाब एक नहीं सैकड़ों है काका। अब जरा याद कीजिए, याद कीजिए। पार्वती जी नहाने जा रहे हैं। उन्होंने नन्हे गणेश से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को भी अंदर मत आने देना। तब शंकर जी वहां आते, नन्हे गणेश ने उन्हें रोका, दोनों में लड़ाई हुई और शंकर जी ने नन्हे गणेश का सर काटा। अब पार्वती जी नहाकर निकली तो देखा कि नन्हे गणेश का सर कटा हुआ है, तो वो शंकर जी पर बहुत गुस्सा। तब शंकर जी ने हाथी के बच्चे का एक सर काट कर नन्हे गणेश की गर्दन से है। एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन या सर्जरी के पास ऐसी कोई ताकत? अरे है अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्निक? अरे काका किडनी बदल देना तो हमारे पुरखों के लिए चुटकी बजाने जैसा था। चलिए चलिए मान लिया कि भारत सर्जरी में आगे है, पर साइकोलॉजी ये तो आधुनिक विज्ञान है। जी हाँ, और ये हमारी पुरखों के पास हो ही नहीं सकता। आप भी क्या बेवकूफी की बातें करते हैं बबलू पांडे जी। अरे हमारे प्राचीन भारत में साइकोलॉजी थी, अवश्य थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सूना वन प्रदेश है, स्वच्छ शिला पर ऋषि और उनकी पत्नी बैठे हुए, चांदनी फैली हुई है, मंद मंद सुगंधमय समीर बह रहा है। ऐसे में ऋषि और उनकी पत्नी के मन में क्या भावनाएं उठ रही हैं? यही तो साइकोलॉजी है। और आप कहते हैं कि हमारे भारत में साइकोलॉजी थी ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले था। इसलिए तो मैं कहता कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चलिए मान लिया शर्मा जी, ये तो मान लिया, लेकिन जेनेटिक साइंस है आपके पास, क्लोनिंग कर सकते हैं आप किसी की? ये जेटनिक वेटनिक क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम मनोहर लाल जी। नहीं शर्मा जी जेटनिक नहीं, जेनेटिक, जेनेटिक क्लोनिंग। अरे हाँ हाँ वही जेटनिक, हिंदी में बताइए ना। भारत विश्व का गुरु रहा है और हमारे यहाँ ये जरूर रहा होगा। क्या होता है ये जेटनिक जरा बताइए तो मनोहर लाल जी। ऐसा है शर्मा जी कि जेनेटिक साइंस में आपके शरीर से थोड़ी सी चमड़ी या कोई और दूसरा हिस्सा लेकर आपके ही जैसा एक दूसरा आदमी बना दिया जाता है। ये अमेरिका और यूरोप की सबसे नई खोज है। तो ये बात है।
आप लोग अंग्रेजी बोल के छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं। अब जरा सोचिए, जरा सोचिए, सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी ध्यान मग्न हैं और उनका बेटा उनके बगल में खेल रहा है। उन्हें लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर आएगा और उनके बेटे को उठा ले जाएगा। वो ये सोचकर लव को अपने साथ ले गया। अब वाल्मीकि जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि बच्चा उनके बगल में नहीं है। वो बहुत घबराए, सोचा कि सीता जी आएंगे तो क्या जवाब देंगे। ये सोचकर उन्होंने एक पुश निकाला, यानी कि घास का एक तिनका निकाला और लव के जैसा दूसरा लड़का बना दिया। उन्होंने उसकी शरीर का कोई हिस्सा या कोई चमड़ी ली तक नहीं। अब बताइए मनोहर लाल, जेटनिक था कि नहीं भार? अरे मेरी बात मान जाइए, भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। शर्मा जी, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कैसे कैसे है? ना आपके घर में टेलीविजन है जिस पर आप 24 घंटे पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हैं। आप अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला देखते हैं, इराक युद्ध देखते हैं। ये जो सचाल क्रांति हुई है ये आपके प्राचीन महान प्राचीन भारत में थी। न बोलिए, जवाब दीजिए, बताइए बताइए शर्मा जी बताइए। धन्य है, अरे धन्य है आप लोग। गीता पढ़ते हैं? नहीं नहीं, आप लोग गीता कहाँ पढ़ते होंगे, आप लोग तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। सुनिए गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे साम्यते युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना। युद्ध शुरू होने वाला है, कोई शंख बजा रहा है तो कोई धनुष की प्रत्यंचा से टंकार मार रहा है। महाराज धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं, कुछ नहीं देख सकते, अपने घर पर बैठे संजय से कहते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे बेटे और मेरे भाई पांडु के बेटे आमने सामने युद्ध में खड़े हैं, वहां क्या हो रहा है मुझे विस्तार से बताइए। संजय अपनी आंखें बंद करते और एक एक पल का हाल, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, जब तक महाभारत का युद्ध चला है तब तक बिना टीवी के, बिना डिस्क के, बिना एंटीना के उन्होंने उस मां का हाल सुनाया। भयान की सूचना क्रांति के पास ये औकात और ये बुद्धू बक्सा, ये इडियट बॉक्स तो ये आयन में अपने पर आकर कह देता है नो सिग्नल। मान जाइए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अरे मनोहर लाल जी बंद कीजिए, अरे बंद करो भाई, मेरे कान पक गए, पक्के आम हो गए आम। काका हम तो मान चुके हैं, बहुत पहले मान चुके हैं। भाई शर्मा जी आप जीत गए और हम हार गए, हमने मान लिया आपको। हाँ शर्मा जी, आपके तर्क ऐसे होते हैं कि हमें मानना ही पड़ता है, पर विदेशियों को आप ऐसे तर्क से नहीं मना सकते। उन्हें भी मनवा चुका हूँ बबलू पांडे जी। एक बार एक ऐसी घटना हुई थी, मैं एक ऐसी जगह गया था जहाँ विदेश से बहुत सारे बॉटनी आए थे। And that is why in the West the science of botany has advanced to new horizons. ये थे हमारे कैरी साहब जो इंग्लैंड के बहुत बड़े बॉटनिस्ट और फॉसिल के विशेषज्ञ भी हैं। अभी अभी इन्होंने बताया कि चट्टानों के बीच दबे हुए पौधे और जंतु कैसे पत्थर बन जाते हैं। भाइयों और बहनों, डायनासोर की खोज भी इसी प्रकार संभव हो सकी है। इन्होंने फॉसिल के जो विभिन्न प्रकार दिखाए उनका हमारे सभ्यता के विकास में काफी योगदान रहा है। ये मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। शर्मा जी ये वैज्ञानिकों का सम्मेलन है। हाँ मैं जानता हूँ। हमारे श्रोता शर्मा जी अभी आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, आइए। अभी अभी आपने एक महान बॉटनी का भाषण सुना। बॉटनी नहीं, बॉटनिस्ट। हाँ हाँ भाई, बॉटनिस्ट। अभी अभी इन्होंने बताया कि फॉसिल कैसे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या प्राचीन भारत में बॉटनी नहीं थे? अवश्य थे, मगर हम उन्हें भूलते जा रहे हैं।
भगवान रामचंद्र एक महान बॉटनी थे और अहिल्या एक फॉसिल थी। महान बॉटनी रामचंद्र ने फॉसिल अहिल्या का पता लगाया और वो इन विदेशी बॉटनियों से ज्यादा योग्य थे। ये लोग तो सिर्फ फॉसिल का पता लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं, लेकिन हमारे महान बॉटनी राम ने पत्थर जैसे फॉसिल से अहिल्या को फिर से औरत बना दिया। ऐसे ऐसे महान बॉटनी हमारे आ रहे हैं, ये मत कहिए कि ये विदेश की खोज है। ऐसे ऐसे चमत्कारी बॉटनिस्ट सैकड़ों रहे हैं। भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इस पर खूब जोर से तालियां बजी और सारे विदेशी भी मान गए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अरे आपका तर्क ही इतना महान था कि कोई उस पर उंगली उठा ही नहीं सकता। मान गए शर्मा जी, हम भी मान गए, अब तो हम भी कुछ सीखना बंद ही कर देंगे। बिल्कुल, आप दोनों सीखना बंद कर देंगे तो कोई नई बात नहीं होगी। हमारे इस महान भतीजे की वजह से इस महान भारत में बहुत लोगों ने सीखना और सिखाना बंद कर दिया है। Na 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 na